दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब आ रहे हैं थोड़ी देर दे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुँचे मिशन पंजाब की और शुरुआत कर जा रहे हैं। मिशन पंजाब के तहत अज दो दिन पंजाब दौरे के उपर आ रहे हैं। अमृतसर एयरपोर्ट के उपर उन्होंने स्वागत किया जाना, उसके बाद उन्होंने सीधा इतों मोगा वास्ते रवाना होना है। मोगा के कोई वड्डा ऐलान किया जा सकता है, मनिया जा रहा है कि तीसरी गरंटी जो है केजरीवाल दे वालों दिती जाएगी। चोण वादियां नूं उन्होंने गरंटी का नाम दिता होया है, पहला वो बिजली नाल संबंधित दे चुके ने, फिर सेहत सुविधाओं नाल संबंधित, हुण तीसरी गरंटी जो जानकारी मिल रही है कि महिलावां दे नाल संबंधित कोई ऐलान कोई वादा हो सकता है, जिसका ऐलान अरविंद केजरीवाल दे वालों अज मोगा दे विच कीता जा सकता है। तो अजिही जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल तो पहला मनीष सिसोदिया अमृतसर एयरपोर्ट पहुँच चुके ने, जिन्होंने गुरदासपुर के व्यापारियों नाल मुलाकात करनी है। यही कह रहे हैं, अब जब चुनाव आ रहा है तो पंजाब के लोगों को ये महसूस हो रहा है जगह जगह। सिसोदिया की बयान भी सुनावा कि पहला दस दी कि अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब के तहत अपने अज पंजाब आ रहे हैं। थोड़ी देर 11 बजे के करीब उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट पहुँच जाना है, जिसके बाद वो सीधा मोगा जाएंगे। मोगा के एक वड्डा समागम प्रोग्राम रखा गया आम आदमी पार्टी के वलों, कोई अहम जॉइनिंग भी इतने हो सकती है, करवाई जा सकती है। नाल नाल तीसरी गरंटी देन पंजाब नू आ रहे ने, मनिया जा रहा अरविंद केजरीवाल, तो गरंटी महिलावां दे नाल जुड़िया होया कोई वड्डा ऐलान हो सकता है। इस दे नाल ही सब तो वड्डा सवाल जो आम आदमी पार्टी के वास्ते पूछा जाता है कि सीएम फेस कौन होएगा, इस नू लैके सस्पेंस लगातार बनिया होया है। जदों भी पंजाब आते हैं केजरीवाल, मनिया जाता कि अज शायद ऐलान हो जाए, लेकिन फिर तो लोगों के हाथ निराशा लगती है, आम आदमी पार्टी के वर्करा के हाथ निराशा लगती है, जदों फिर तो उही सस्पेंस लैके इतों दिल्ली चले जाते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अज भी वो सस्पेंस बनिया होया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पहला भी जिमें केजरीवाल ने भी एक बार कह चुके ने, बुलारे भी कहते हैं कि डिसाइड हो चुके है कि कौन है सीएम फेस, बस ऐलान होना बाकी है। वो ऐलान कदों होंदा ये उपर ही निगाह टिकिया हुई। मोगा के आ रहे ने अरविंद केजरीवाल, तो मोगा के सोनू सूद जो फेमस एक्टर ने अपने समाज सेवा संबंधी कामों के वास्ते होर ज़्यादा मशहूर हुए, करोना काल के भी उन्होंने भैन के वालों कुछ दिन पहला ऐलान किया गया कि इलैक्शन लड़नगे, सियासत के आएंगे, लेकिन कि पार्टी तो लड़नगे या आजाद लड़नगे इहदा ऐलान ये खुलासा उन्होंने वालों नहीं किया गया। तो अज मोगा के अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, तो इन दोवां खबरों नूं भी जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि कोई पुष्टि नहीं है, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मनिया जा रहा है कि इहदे नाल संबंधित भी उत्थे इन्हां दोहां दी भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन इस संबंधी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन मोगा दे विच ही क्यों केजरीवाल आ रहे हैं, ये सवाल अपने आप दे विच बनिया होया। उत्थे तीसरी गरंटी क्यों देण जा रहे हैं, पहला अमृतसर आए, जलंधर भी आए सन, फिर उन्होंने मालवा दे विच संगरूर जाके भी मुलाकातां कीतियां, बठिंडा दे विच व्यापारियों नाल मुलाकात कीती, ते अज मोगा जा रहे हैं। अमृतसर एयरपोर्ट ते आणगे, उहदे बाद मोगा जाणगे, ते वड्डा ऐलान हो सकता है महिलावां नाल जुड़ी तीसरी गरंटी का ऐलान केजरीवाल कर सकते हैं। नाल नाल कोई अहम जॉइनिंग भी हो सकती है आम आदमी पार्टी दे विच। ते सब तो वड्डा सवाल कि केजरीवाल सीएम फेस का खुलासा करनगे या नहीं, यही बनिया होया है। क्योंकि जो भी गल आम आदमी पार्टी की आती है तो यह सवाल खड़ा हो जाता है कि इस बार की समय रेंदे सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा, हो जाएगा तो किहड़ा फेस होएगा जिन्हों सीएम वजो सीएम के उम्मीदवार वजो आम आदमी पार्टी लोगों के सामने लिया के खड़ा करेगी। पार्टी के अंदरों भी तो बारहों भी भगवंत मान को सीएम फेस लाने की मंगा समय समय से होंदिया रहिंदिया ने, लेकिन इस संबंधी कोई ऐलान हाले तक नहीं किया गया। अज कोई ऐलान हुंदा या नहीं इहदे उपर निगाह सब तो ज़्यादा बनी रहेगी। एक बार फिर दस दिए मिशन पंजाब अरविंद केजरीवाल दे तहत दो दिन पंजाब दौरे ते ने, अज अमृतसर पहुँचणगे, इहदे बाद मोगा जाणगे, फिर लुधियाणा दे विच जिथे अज सीएम चन्नी अते नवजोत सिंह सिद्धू का भी प्रोग्राम रख्या गया, उत्थे भी वह जो चोण बिगुल है वह उन्होंने वालों बजाया जाना है। उत्थे एक पासे चन्नी ते सिद्धू दी जो समागम है वो तैयारियां हो रही, दूजे पासे अरविंद केजरीवाल ने इत्थे आके वर्करां नाल मीटिंग करनी है, उहदी तैयारी भी हो रही है। तो लुधियाणा दे विच अज पंजाब दे सीएम ते दिल्ली दे सीएम दा आमो सामना भी हो सकता है, क्योंकि दोहां दे वड्डे प्रोग्राम इत्थे रखे गए ने। लेकिन उस तो पहलां केजरीवाल ने मोगा जाना है, फिर लुधियाणा दे विच वर्करां नाल मीटिंग है शाम नूं, ते उसके बाद कल अमृतसर दे विच एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरविंद केजरीवाल दे वल्लों रखी गई है, जिहदे विच कोई अहम ऐलान होण दी संभावना है। फिलहाल की कुछ गरंटी दे के जाते हैं, की कोई अहम जॉइनिंग होंगी है, तो की सीएम फेस का जो
सब तो वड्डा खुलासा अज करते हैं या नहीं करते ये उपर निगाह जरूर बनी रहेगी। फिलहाल तुहानू दस दिए कि उस तो पहला मनीष सिसोदिया पहुँच चुके ने अमृतसर के उन्होंने कहा कि वह अज गुरदासपुर के व्यापारियों के नाल मीटिंग उन्होंने वालों की जानी है। मनीष सिसोदिया का बयान तुम्हें सुनाओगे फिर दस दिए कि अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब जिसके तहत थोड़ी देर अमृतसरी रिपोर्ट वह पहुँचे आम आदमी पार्टी के लीडर उन्होंने स्वागत वास्ते उत्थे पहुँचे हुए हैं जिथों सीधा वह मोगा रवाना होणगे ते फिर लुधियाना दे विच वर्करां नाल मीटिंग करनगे ते कल अमृतसर दे विच इक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनगे। बेहद अहम दौरा है मन्निया जा रहा अरविंद केजरीवाल का, चोणां बिल्कुल नज़दीक ने। उस तो पहलां आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा कोशिश कर रही है, वाह ला रही है। कई आप दे लीडर कांग्रेस वल झुके हुए भी नज़र आते हैं। जो उन्होंने MLA रूबी है दो दिन थोड़े दिन पहला वह भी कांग्रेस के शामिल होए ने। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिहड़े MLAs ने उन्होंने मौजूदा या लीडर जो लगता कि उन्होंने टिकट नहीं मिलनी वह कांग्रेस के जा रहे हैं तो उन्होंने कांग्रेस को अपील है कि इन्हों टिकट के नाल जरूर नवाजा जाए। तो यहोजी सियासत जो अक्सर देखने को मिलती है इलैक्शन तो पहला वो होनी शुरू हो गई है। इस विचाले अज केजरीवाल का दौरा बेहद अहम मनिया जा रहा है जिन्हें जुड़ी हर अपडेट तुहाडे तक असीं पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहो दैनिक सवेरा TV के नाल। तो पंजाब के लोगों को ये महसूस हो रहा है जगह जगह कि उनको एक ऐसी सरकार चाहिए जो स्टेबल हो, जो उनके डेवलपमेंट के लिए विज़न रखती हो, ईमानदारी से काम करती हो, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ, उनके व्यापार, उनकी नौकरियां, उन सब पे काम कर सकती हो। और अब धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक ऐसी सरकार दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार दे सकती है जो स्टेबल होगी, और यही पार्टी है जो विज़न के साथ चलती है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे, और बहुत शानदार तरीके से जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी वो करके दिखाते हैं। आज मेरा यहाँ पर व्यापारियों से संवाद है और मैं पंजाब के व्यापारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली के व्यापारियों के साथ मिलके दिल्ली का विकास हुआ है, उस तरह से ही पंजाब के व्यापारियों के साथ मिलके पंजाब का विकास हुआ है। जिस हिसाब नाल तुहाडे अपने जिहड़े लीडर है वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं कि लगता नहीं कि तुहानू आप पंजाब की बागडोर संभालने की लोड़ है? नहीं जी, कोई ऐसा नहीं। एक बार आज सोनू सूद आ रहा है जी, आम पार्टी में कैसे देख रहे हो? नहीं।